जोधपुर में परिवर्तन यात्रा की जनसभा को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने संबोधित किया। लूड़ी विधानसभा क्षेत्र में यात्रा के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर सियासी हमला बोला। असम सीएम ने कहा कि कांग्रेस और गद्दार एक ही शब्द है। राजस्थान में हिंदुओं के सर तन से जुदा किए जाते हैं, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। अशोक गहलोत कहते हैं कि राजस्थान में हिंदुत्व नहीं होने दूंगा। गहलोत पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि 5000 साल से हिंदुत्व है, हम हिंदू जन्म लेते हैं और मरते भी हिंदू है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हिंदुत्व का नाम रहेगा। कांग्रेस और अशोक गहलोत मिलकर राजस्थान में हिंदुत्व को खत्म नहीं कर सकते हैं, और राजस्थान में हिंदुत्व नहीं होगा तो क्या बाबर तंत्र होगा? क्या यहाँ पर बाबर का राज होगा? उन्होंने कहा कि बाबर को लाने के लिए आप मतदाता सूचियों में भी गड़बड़ी करते हैं। शर्मा ने सवाल किया कि पता नहीं कांग्रेस बाबर से इतना प्यार क्यों करती है। साथ ही कहा कि अगर राहुल गांधी हिंदू है तो एक बार रामलला के दर्शन तो करें, और वे राजस्थान और मध्य प्रदेश में आते हैं तो मंदिर में जाते हैं, कभी रामलला जाकर के भी दर्शन करें और जानने की कोशिश करें कि ये मंदिर कैसे बना है। सीएम साहब यहीं पर नहीं रुकते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आड़े हाथों लेते हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत खुद भी नहीं गए हैं, पूरी दुनिया देखते हैं लेकिन वहां नहीं जाते, क्योंकि ये लोग अगर रामलला के दर्शन कर लेंगे तो बाबर के मन में दुख हो जाएगा। जनसभा को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी संबोधित किया। भाई और बहनों, बहुत हो चुका है, कांग्रेस को विदा करना चाहिए और आप लोग राजस्थान में कांग्रेस को लाइए। मोदी जी का सुनाव है, मोदी जी को तीसरा बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना है, राजस्थान का सुनाव आप लोग सेमीफाइनल जैसा मान लो कि यहाँ में 107 170 हम लोग बीजेपी को सीट दिलाऊंगा और मोदी जी को तो 100/100 सीट दिलाऊंगा। सभा के दौरान असम के मुख्यमंत्री जी की जुबान भी फिसली और उनके मुंह से निकल गया कि कांग्रेस की सरकार लाइए। शर्मा ने कहा कि चुनाव से पहले अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में पैसों का दुरुपयोग कर रही है, जितने रुपए मोबाइल बांटने में खर्च कर रहे हैं उसके प्रचार प्रसार में लगा रहे हैं, उतने रुपए से किसानों को कर्ज माफ किया जा सकता है। असम में गहलोत के विज्ञापन छप रहे हैं, उनको किसानों के खातों में ये पैसा डालना चाहिए। राहुल गांधी अगर तेलंगाना में सरकार आने पर महिलाओं के खाते में 2500 रुपए जमा करने की बात कह रहे हैं तो राजस्थान में तो उनकी सरकार है, यहाँ से शुरुआत क्यों नहीं करते हैं? जोधपुर की सभा के बाद परिवर्तन यात्रा बिलाड़ा के लिए रवाना हुई। राजस्थान तक के लिए जोधपुर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।